गाइस देखो अभी कितना मस्त रोड आ गया। ये जितना भी व्यू है सारा कारगिल के पहले वाला व्यू है। बस ये जो सोनमार्ग से लेके ये जो चेक पोस्ट अभी आई ना, यहाँ तक बस खराब था रोड। उसके आगे अभी ये रोड तो अभी बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ तो मैं अभी फर्स्ट टाइम ही रहा हूँ। बट अगर कोई बंदा लद्दाख का व्लॉग देख रहा है, अगर उसको पता नहीं है कि रोड कैसा है कैसा नहीं, तो वो एक बार ये देख ले। रोड के बारे में प्रॉपर मैंने बताया हुआ है, श्रीनगर से लेके रोड एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सोनमार्ग के आसपास क्रॉस करके सोनमार्ग को कोई ज़्यादा नहीं तो 25-30 किलोमीटर का रोड है जो थोड़ा ख़राब आएगा, बाकी तो सब बढ़िया है। वरुण बाइक ही बड़ी भगा रहा है, मैंने सोचा कि चल अभी साथ साथ चलते हैं, पर ये बहुत भगा रहा है बाइक को भाई। ये जो वादियाँ थी ना, बस इसी को मिस करते थे, जब किसी और की वीडियो देखनी और फिर इसी चीज़ को मिस करना। मैंने तो बहुत मिस किया इस चीज़ को। ये चेक करो, एक साइड पे रिवर है, एक साइड पे रोड है, और कितना मस्त लग रहा है। बीच में बाइक जा रही है अपनी, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, इतनी मस्त फीलिंग आ रही है ना इसके ऊपर बाइक चलाने की, क्या बताऊं। मजा ही मजा। यार यहाँ का मौसम इतना मस्त है ना कि क्या बताऊं यार, इतना मस्त मौसम है। धूप भी है, कहीं बादल भी हैं, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। ये देखो छाया है, बादल है यहाँ पे, यहाँ धूप है। मतलब जो मौसम हम ऐसे किसी की वीडियो में देखते थे कि वो जा रहे हैं, और रियल में ऐसा कुछ हो सकता है यार। हमारा खुद का इंडिया ही बहुत सुंदर है, दुनिया बाहर भागती है घूमने के लिए, पहले अपना इंडिया एक्सप्लोर कर लेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसे ही घूम लो, सबसे बढ़िया बात है। क्या इतना दूर भी नहीं है यार, हम दिल्ली तक सफ़र कर लेते हैं, मुंबई तक सफ़र कर लेते हैं। अगर कोई बोलेगा लद्दाख जाना तो ये सोचते हैं, अगर पता नहीं लद्दाख कितना दूर चले गया हमसे। इसको बड़ी मुश्किल पकड़ा मैंने, बड़ा भाग रहा था आगे आगे, पर यहाँ आके पकड़ लिया। ये काजा वाला पहाड़ लग रहा है, जैसे काजा में नहीं आते, ऊपर पहाड़ नीचे रोड, वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। यार बहुत मस्त वादी है यार, यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, एकदम जो जैसे आप लगा लो यार मार्च महीने वाला मौसम होता ना, बिल्कुल वही है इस टाइम पे, इस टाइम पे बाइक चलाते समय भी। गाइस द्रास रह गया 11 किलोमीटर, वहाँ पे वार मेमोरियल आएगा कारगिल का, वो एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद सीधा निकल जाएंगे कारगिल, उसके बाद निकलेंगे सीधा ले। आज हमें ले पहुंचना है किसी भी हालत में। तो फ्रेंड्स अभी हम कारगिल के पीछे हैं, वार मेमोरियल, यहाँ का व्यू आपको दिखा देता हूँ। और ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, बहुत ही मस्त व्यू है। यहाँ पे उन सब की मूर्तियाँ फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं जो उस टाइम पे शहीद हुए थे, गन वगैरह लगी हुई है, और एक जेट भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला C-1538। मोंटी तेरे को पता होगा इसका, इसके बारे में ज़्यादा। फ्रेंड जिसको नहीं पता वो ये हिस्ट्री पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को, जिसने ये है ऑपरेशन सेफ्ड सागर। और अभी आपको मैं अपना ये भी दिखाया था, MiG-21 है शायद ये, ये MiG-21 है आई थिंक। तो फ्रेंड जैसे ये मूर्ति है मेजर राजेश सिंह अधिकारी जी की, इनको महावीर चक्र से संबोधित किया हुआ है।
ऐसे इस तरफ भी है मेजर पदम पानी आचार्य जी, मतलब सबकी फोटो है यहाँ पे। ये इनको तो आप सब जानते हो, मूवी भी देख चुके हो, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, इनकी आप वीडियो भी देख चुके हो, मूवी देख ही चुके हो। बाकी जिसको नहीं पता वो ये पढ़ सकता है। परमवीर चक्र इनको भी मिला है, 0.5140 किलिंग फॉर एनिमी। फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बत्रा टॉप, राइनो हॉर्न और टाइगर हिल जो इन्होंने शो किया हो इसमें मैप में, ठीक हमारे सामने, यहाँ से सामने आया, शायद कैमरा में फोकस नहीं हो पाएगा, बहुत दूर है वो और कैमरा का इतना जूम नहीं है। वहाँ पे जो यहाँ से लेफ्ट साइड में, मेरी तरफ से लेफ्ट साइड में बत्रा टॉप है, सेंटर में हॉर्न है और टाइगर हिल उसके साथ वाली है राइट साइड में, जैसे इसमें दिखा रखा है बिल्कुल वैसा ही है, सामने दिखते हैं वो। फ्रेंड्स ये देख लो कि यहाँ पे सबकी उन्होंने वो बनाई हुई है, उनकी याद में जो जो यहाँ पे शहीद हुए थे, पूरा भरा हुआ है, देखो वार मेमोरियल। सबके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपर, हर बंदे का कि कौन कौन था और कितने शहीद हुए, सारे के सारे हैं यहाँ पे। गाइस अंदर सर ने, वहाँ म्यूजियम था, अलाउड नहीं था, मतलब कैमरा फ़ोन नहीं लेके जा सकते। वहाँ जितनी भी एनिमीज की जो दुश्मन थे हमारे पाकिस्तान के, या तो उनके जो भी उन्होंने गोला बारूद या गोलियाँ वगैरह चलाई थी, उनसे जो AK-47 या जो भी उनकी गन्स वगैरह थी, वो सारी उन्होंने वहाँ पे रखी हुई थी उस टाइम की, वो अभी भी रखी हुई है, प्रॉपर उन्होंने लगाई हुई है उसके अंदर। और सर बता रहे थे कि 1995 में यहाँ पे जो टेम्परेचर हुआ करता था वो 60 टेम्परेचर हुआ करता था उस टाइम पे, माइनस 60 और 30, माइनस 30 तक तो अब भी जाता है। कहते हैं कि वर्ल्ड का सेकंड टॉप ये द्रास है, जो कोल्डेस्ट प्लेस है सबसे ज़्यादा, क्यों एक चीज़ ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ हैं चारों तरफ। और गाइस जहाँ पे मतलब जो विक्रम बत्रा जी ने फाइट की थी, जहाँ उनकी फाइट हुई थी, वो वाला पहाड़ भी देखा हमने, वहाँ से दिख रहा था काफ़ी दूर है। मैं तो ये सोच के हैरान था कि वो चढ़े कैसे होंगे इतना ऊपर, और ऊपर से फायरिंग हो रही है। जो मूवी में दिखाया ना वो तो चलो जो दिखाया अच्छा किया, बट उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा टफ, मतलब देखने में ही लग रहा है कि कैसे हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें। सैल्यूट है विक्रम बत्रा सर के लिए। जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ उनके लिए इस वीडियो को कमेंट में सैल्यूट कर देना, उनका नाम मेंशन करके उनके लिए लाइक कर देना। मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, आप बोलोगे उनके नाम पे सब्सक्राइब बोल रहा है, लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर देना और कमेंट कर देना, एक सैल्यूट कर देना उनको, बस इंडियन आर्मी को सैल्यूट है यार। वो सर बता रहे थे अंदर कि अगर उस टाइम पे ये वॉर यहाँ पे अगर वो मतलब छोड़ देते उस टाइम पे, जैसे विक्रम बत्रा जी ने उस टाइम पे वो छोड़ी नहीं, कहते हमने वो फाइट करनी है, पीछे नहीं हटना, अगर वो छोड़ देते मतलब पीछे हट जाते ये सब, तो आज की डेट में हम यहाँ पे नहीं घूम रहे होते, ये पाकिस्तान का एरिया होता। ये सर ने हमें अभी बताया द्रास, ले, कारगिल, ये सारा एरिया पाकिस्तान का होता, जो आज हम उनकी शहीदी की वजह से हमारे पास है, इसलिए बोल रहा हूँ सैल्यूट है सर को, सैल्यूट है उन सारे जवानों को जो उस टाइम पे लड़े थे देश के लिए। मैं तो भाई सबको बोलूँगा कि आप सबको, और तो चलो हर जगह घूम लेते हैं, कभी कभी कोई बोलता है यहाँ घूम लेंगे, यहाँ घूम लेंगे, मैं कहता हूँ कि एक बार यहाँ पे
आपको ज़रूर आना चाहिए। लोग ढूंढते हैं कि यहाँ घूम लिया, शिकारे में घूम लिया, बट मेरे हिसाब से मैंने मतलब फर्स्ट टाइम आया हूँ और मेरा जो मोटिव था कि श्रीनगर की तरफ से जाऊँगा मैं लद्दाख करता हुआ, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया था श्रीनगर की तरफ से कि मैंने ये देखना है वार मेमोरियल। मैंने सिर्फ एक तो मैंने मूवी देखी, दूसरे नंबर पे मैंने इसको गूगल पे ही देखा हुआ था, इसकी इमेजेस वगैरह सब कुछ। तो मैं तो जो हमारे जितने भी भाई हैं, मोंटी तेरे को बोल रहा हूँ, सनम, सबको मतलब बोल रहा हूँ कि यार यहाँ एक बार ज़रूर आओ जो अभी तक नहीं आए। ये देख लोगे ना, दिल से खुशी होगी, दिल से, कि वाकई में हमने कुछ देखा। और आपका खुद दिल करेगा कि मैं वहाँ खड़ा होके उन सबको सल्यूट करूँ, सीरियसली है ये। यार ज़्यादा दूर नहीं है, आप खुद ही देख लो, एक दिन हम श्रीनगर में आए, दूसरे दिन हम यहाँ पहुँच गए हैं और दूसरे दिन ही हम ले चले जाएंगे। क्या यार मतलब इतना क्या डरना या इतना क्या सोचना कि हम कैसे जाएँ कैसे जाएँ, हमें छुट्टी चाहिए या ये सब गलत है यार। जहाँ मर्जी घूमने चले जाओ यार, ये चीज़ नहीं कहीं भी मिलने वाली। अभी जो आप ये देख रहे हो ना कैमरे में, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। गाइस ये चेक करो नज़ारे, जैसे जैसे ले पास आ रहा है वैसे वैसे देखो, कोई यहाँ पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पहाड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे ब्लू हैं, आसमान जैसे आसमान है वैसे ही पूरे पहाड़ भी वैसे ही लग रहे हैं एकदम। ब्यूटी यार यहीं पे ही है सारी, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, आसमान एकदम साफ है, आप देख ही रहे हो। ये हम इंस्टाग्राम वगैरह स्नैपचैट पे ऐसे वाले फिल्टर लगाते हैं और ये नेचुरल है सब कुछ। फिल्टर भी मतलब इनके आगे फेल हैं। आप यहाँ पे कोई भी अपनी पिक खिंचवा लो, एकदम सही आएगी आपकी, एकदम साफ। बहुत मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे राइड करने का। बाइक लीन करने का भी बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, यहाँ पे बहुत मस्त मस्त लीन हो रही है बाइक यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। खंगराल रह गया 9 किलोमीटर और अभी ले हमारा 171 अभी भी बचा हुआ है, और हमारा मन यही है कि अभी बिना रुके सीधा ले जाके ब्रेक लगाएं। अभी देखेंगे कि वरुण क्या बोलता है, बट उसके बोलने से पहले आप ये नेचर देखो यार। लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक यहीं पे है, वो सही बोलते हैं, नरक भी यहीं पे है और स्वर्ग भी यहीं पे है, इसे बोलते हैं स्वर्ग जन्नत। मैं सोचता था कि जो फिल्म स्टार है या जो जैसे प्रोड्यूसर वगैरह डायरेक्टर वगैरह, वो मतलब अलग अलग जगह पे जाके मूवीज़ क्यों शूट करते हैं, बट यार लोकेशन मैटर तो करती है। आप हमारा देख लो, छोटा सा गोप्रो कैमरा है, उसमें भी देखो कितनी सुंदर लग रही है ये। और साथ में एक बात बताऊँ, ये जितनी भी पहाड़ियाँ ना यहाँ पर, ये सारी मिट्टी की पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि बीच में इसके पत्थर भी मिक्स है और मिट्टी भी, ये सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। ये चेक करो, सबसे आगे है Z800, उसके पीछे Z900, उसके पीछे हिमालय 2 और उसके पीछे KTM, वो सबसे पीछे मैं चल रहा हूँ। यार सारी बाइक इतनी भाग रही, मेरी बाइक इतनी पता नहीं क्यों नहीं भाग रही यार। वो देखो सबसे आगे जा रही Z900, पर जैसे मर्जी है, मज़ा तो आ रहा है अभी। पहले इतना देर सफ़र कर रहे थे ना तो बोर हो गए थे, अभी साथ साथ चल रहे हैं सारे, मज़ा आ रहा है साथ साथ। कहे के वो भगा रहे हैं पूरा कि हम इनको आगे नहीं जाने देंगे, उस हिसाब से भगा रहे हैं वो बाइक, पर कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। Z900 होगी तो क्या हो गया, हमारे पास सिर्फ ये किट, वो तो कैसे भगा रहा है हिमालय को।
हिमालय भाई को 250 ड्यूक ने पीछे की, अभी Z900 को पीछे करने जा रहा है। हर बंदे की जलती है जब कोई उसको पीछे करता है। ये जो Z900 वाला ना, अगर इसको मैंने ओवरटेक किया तो फिर देखना कैसे आएगा। वरुण ने मेरे, वरुण चला रहा था मेरा वाला बाइक, इसने ना ब्रेक मार मार के बार बार मेरे लेदर हीट हो गए हैं, ब्रेक नहीं लग रही बिल्कुल भी। और अब वरुण देख रहा है कि मैं इसको भी पीछे करूं। वो साला हल्की सी रेस देता है और वो बाइक एकदम भाग जाती है सीधा आने पे। मोड पे तो इनसे निकलता नहीं आगे। ओ हो 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 हो, वो अंदर था यार, अंदर से तो वो बाइक निकलेगी निकलेगी, अंदर से नहीं। अब देखना इसको पीछे कर देना, अब देखना ये खींचेगा बाइक को, खींचेगा खींचेगा कह दिया मैंने। एक्चुअली क्या है कि ये ना पीछे से ही बहुत खींच खींच के बाइक लेके आ रहे हैं, तो अभी ब्रेक इनकी भी हीट होगी होगी पक्का। वो सबसे आगे जा रहा है ना वो अपने अपने हिसाब से, कि वो मैं सबसे आगे जा रहा हूँ, ब्रेक उसकी भी हीट हो चुकी है। अभी वो भी देखो कैसे आराम से जा रहा है। बढ़िया यार, भगा। ये हिल एरिया, हिल एरिया में बस इतना ही कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइक को लीन कर लो और निकल जाओ लेके, बस बाइक को लीन करके। अभी देखो उसके पास Z900 है, बट उससे लीन नहीं हो पाया बाइक, जिसकी वजह से वो पीछे रह गया। और हमारी बाइक हो गई थी लीन, इसलिए वो निकल गई आगे। चल 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 आराम से। मैं वरुण को बोल रहा हूँ आराम से चल यार, अभी क्या फायदा किसी को। हमसे ये कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे थे, हम रुके हुए थे जब ये आगे निकले हैं। पर बहुत ज्यादा बाइक भगाई इन्होंने भाई, बहुत ज्यादा। और आपको पता है हिल में किसी की नहीं चलती यार, यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए कि हमने बाइक को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप बड़ी, जितनी मर्जी बड़ी बाइक ले आओ, ब्रेक तो हीट होंगी होंगी उनकी, उनका वेट भी उतना ही होगा ना। बस इनका क्या है कि मोड पे एकदम धीरे, और उसके बाद फिर ये बाइक को एरोप्लेन बना देंगे जैसे सीधा होगा बाइक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो आगे जा रहा है वो खुद ही पीछे आएगा जैसे बाकी वाले हैं।